आज हम बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का लास्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे और वो रिएक्शन हमारा कौन सा कहलाएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाएगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन में एक हम चीज डिस्कस करेंगे, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, वो बहुत एक अहम क्वेश्चन है। एक आयोडोफॉर्म एक टेस्ट के तौर पर हम यूज करते हैं। तो पहला आ जाता है व्हाट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, कौन से कंपाउंड हमारे पास, कौन से कार्बोनल कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। हमारे पास देखिए जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर मिथाइल ग्रुप हो, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या हो, अगर मिथाइल ग्रुप हो, CH3 क्या रखिएगा, मिथाइल ग्रुप हो, वो लाजमी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो अब हम डिस्कस कर लेते, देखिए ओनली एसिटाल्डिहाइड, ये बात नोट कीजिएगा, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड फैमिली में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड वाहिद है, एंड मिथाइल कीटोन। देखिए मिथाइल कीटोन क्या होता है, देखिए ये मैंने आप लोगों के साथ ये आप लोगों को लिख के दिया, CH3 C डबल बॉन्ड OR-, ठीक है। अगर कार्बोनाइल के साथ सिर्फ इस साइड पे या इस साइड पे कह ले या इस साइड पे आपके पास एक मिथाइल हो और दूसरी साइड पे क्या हो, आप कार्बन एक भी लगा दे, दो भी लगा दे, तीन लगा दे, एक तरफ लाजमी मिथाइल होना जरूरी है, उनको हम किस चीज का नाम देंगे, मिथाइल कीटोन का नाम देंगे। तो पहली बात, कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड फैमिली में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, दूसरी बात मिथाइल कीटोन ये वाला हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, रिएक्ट विद हेलोजिन, हेलोजिन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा सॉल्यूशन यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हेलोजिन का, टू गिव हेलोफॉर्म एंड सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। हेलोफॉर्म के अलावा साथ क्या देते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। देखिए मैंने एक जनरल रिएक्शन यहां पे लिखा है, आर से यहां पर हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, आर से मुराद हम ले सकते हैं एच। अगर मैं यहां पर आर से मुराद एच लूंगा तो देखो CH3 C डबल OH ये एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और आर से मुराद मैं क्या ले सकता हूं, CH3 ले लेता हूं, कार्बन कार्बन और भी चेन बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। और अगर मैं यहां पर CH3 लिखता हूं तो ये बन जाएगा एसीटोन, इसके साथ मैंने ये लिखा है हेलोजिन, ठीक है, साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका आपस में रिएक्शन होगा, एक प्रोडक्ट बनेगी CHX3, क्या बनेगी CHX3, इसको हम नाम देंगे ट्राई हेलो अल्केन का, ठीक है। मतलब देखो ये कार्बन है, कार्बन चार बॉन्ड बनाती है, ये अल्केन बनेगी, ठीक है, और इसके साथ मैं अगर तीन हेलो ग्रुप अटैच कर देता हूं, एक दो तीन, तीन के लिए लफ्ज यूज करते हैं ट्राई, और ये हेलो है, ट्राई हेलो अल्केन बन जाएगा, साथ क्या बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा, इसके अलावा एज ए बाय प्रोडक्ट सोडियम आयोडाइड और वाटर बन जाएगा। देखिए इस रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म इस वजह से कह देते हैं क्योंकि इसमें ये वाले हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी CHX3 बनेगा, इसको हम हेलोफॉर्म भी बोलते हैं और ट्राई हेलो अल्केन बोलते हैं, इस वजह से इस रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कह देते हैं। देखिए CHX3 अगर यहां पर हेलोजिन से मुराद हमारे पास क्लोरीन हो तो इसको हम नाम देंगे CHCl3 क्लोरोफॉर्म, अगर हमारे पास यहां पर ब्रोमीन हो तो CHBr3 इसको हम नाम देंगे ब्रोमोफॉर्म का, और अगर हमारे पास यहां पर आयोडीन हो हेलोजिन की जगह पे तो इसको हम नाम देंगे CHI3 और इसका नाम क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। तो इसमें ये जो पहले दो है ना ये कलरलेस लिक्विड है, क्या है, कलरलेस लिक्विड क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म, जबकि ये जो हमारे पास CHI3 है ये येलो सॉलिड होगा, क्या होगा, येलो कलर का सॉलिड होगा, इस वजह से हम इसको एज ए टेस्ट के तौर पर यूज करते हैं आयोडोफॉर्म को। अब बुक में ना दो हेडिंग दी गई है, एक हेलोफॉर्म की साथ ही आयोडोफॉर्म की, मैं इन दोनों को मिला के एक्सप्लेन करने लगा हूं क्योंकि आयोडोफॉर्म के ही रिएक्शन उन्होंने हेलोफॉर्म में लिखे हुए थे। तो नेक्स्ट
आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या होता है, देखो ऊपर मैं बता चुका हूं, अगर मैं यहां पर x की जगह पे I2 लिख देता हूं, ये हमारा क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। द हैलोफॉर्म रिएक्शन यूजिंग आयोडीन, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, आयोडीन यूज करें, एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, उसको हम क्या नाम देंगे, आयोडोफॉर्म का नाम देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये येलो कलर का सॉलिड बनेगा, इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट क्यों बनते हैं, क्योंकि ये जो CHI3 है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, इस वजह से हम डिफरेंट कंपाउंड के टेस्ट के तौर पर चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं। आइए हम देख लेते हैं ये किन किन के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो फर्स्ट हमारे पास जो मैंने यहां पर लिखा है एसिड एल्डिहाइड, जी एसिड एल्डिहाइड है। पहली बात याद रखिएगा, कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर CH3 है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। देखो बिल्कुल सेम मैंने जो यहां पर प्रीवियस बात की थी, यहां पर मैंने बात की थी अगर CH3COO अगर H लिख दे। अच्छा एक बात नोट कीजिएगा, यहां पर नोट कीजिएगा, देखिए अगर यहां पर मैं H लिखता हूं तो ये एसिड एल्डिहाइड बनेगा, और इस R की जगह पे क्या आ जाएगा, HCOONA, COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर मैं इस R की जगह पे CH3 लिखता हूं तो यहां पर याद रखिएगा ये RCOO की बजाय क्या लिखा जाएगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये क्या रखना है, अगर H होगा R की जगह पे तो HC सोडियम फॉर्मेट बनेगा, अगर मैं इसकी जगह पे CH3 लिखता हूं तो सोडियम एसीटेट बनेगा। जी ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है, देखो ये हमारे पास CH3COR, R की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, H लिख दिया, 3I2 आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन हम यूज करेंगे। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, देखो CHI3 बना देगा, क्या बना देगा, CHI3, इसको हम नाम देंगे आयोडोफॉर्म का, और इसका कलर कौन सा होगा, येलो कलर का होगा, ठीक है, येलो कलर के यहां पर प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसके अलावा साथ क्या बनेगा, मैंने बोला था अगर यहां पर H हो तो R की जगह पे H था, तो यहां पर आप बना दे सोडियम फॉर्मेट HCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और इसके अलावा क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा 3NaI, ठीक है, जैसे हमने वहां पर लिखा था, साथ 3H2O बन जाएगा इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर। अब देखो ये एसिटाल्डिहाइड है, कार्बोनाइल के साथ मिथाइल ग्रुप है, ये जो अगर हम मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड है, क्या कोई साथ मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो लिहाजा फॉर्मेल्डिहाइड नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये याद रखना। इसके अलावा अगर मैं प्रोपियोन एल्डिहाइड लेता हूं, CH3CH2COOH, ठीक है, अब यहां पर देखिए तीन कार्बन है, प्रोपर नल भी कह सकते हैं। अब यहां पर देखो कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ वाली कार्बन कौन सी है, CH3 नहीं है, तो लिहाजा ये भी कौन सा नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगी। तो एक बात याद रखिएगा, इन एल्डिहाइड फैमिली ओनली एसिटाल्डिहाइड गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन। नेक्स्ट है कीटोन की बात करते हैं, तो कीटोन में मैंने यहां पर बात आप लोगों के साथ शेयर कर ली, ओनली मिथाइल कीटोन गिव दिस रिएक्शन। हमारे पास मिथाइल कीटोन को मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, सिर्फ वही होगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो ये CH3COO, इसको मैं R कह देता हूं, ठीक है, क्या कह दूंगा, R कह दूंगा। अब इसका हम रिएक्शन लिख लेते हैं, देखो सबसे पहले क्या बनेगा, यहां पर CHI3 बनेगा, CHI3 बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, आयोडोफॉर्म, येलो कलर प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेंगे, और साथ क्या बन जाएगा, देखो अगर यहां पर CH3 मैंने लिया है तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, मैंने R की जगह पे CH3 लिख दिया, ये सोडियम एसीटेट बन गया, सोडियम एसीटेट बन गया, साथ क्या बन जाएगा, जो बार बार हम प्रोडक्ट बना रहे हैं NaI और 3H2O बन जाएगा, ठीक हो गया। तो मतलब जब भी मिथाइल कीटोन इसके साथ रिएक्ट करता है तो लाजमी CHI3 आयोडोफॉर्म बन जाएगा। लेकिन अब देखो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, CH3COCOOH2CH3, अब ये वाला है 1 2 3 4 5
टू पेंटानोन है, सॉरी थ्री पेंटानोन है। अब यहां पर देखें कार्बोनाइल के साथ कोई मिथाइल ग्रुप है, नहीं है, तो लिहाजा थ्री पेंटानोन नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अगर मैं बात करूं टू पेंटानोन की, तब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप होगा, वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो हमारे ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का, टू पेंटानोन और थ्री पेंटानोन, तो टू पेंटानोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, थ्री पेंटानोन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड ग्रुप के अलावा हमारे पास अल्कोहल फैमिली भी आइडोफॉर्म टेस्ट देगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अल्कोहल आयोडीन के साथ आइडोफॉर्म टेस्ट किस तरह देगी? देखिए यहां पर ना, जो गिवन कंडीशन के मुताबिक जो अल्कोहल खुद को पहले ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कोहल ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, अल्कोहल अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, पहले अपने मुतलका एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज करेगा, फिर जाके आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। चले अब आप लोगों देख एक बात नोट कीजिएगा, अब मैंने ऊपर बता दिया कि एल्डिहाइड फैमिली में क्या होता है, देखना होता है कि कौन सा एल्डिहाइड या कौन सा कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो अल्कोहल में कैसे नोट करेंगे, देखो आप लोगों ने इसमें एक दो काम कर सकते हैं, या तो आप इसकी ऑक्सीडेशन करें तो देखे आगे आपने आप लोगों के पास जो एल्डिहाइड बन गया है या कीटोन बन गया, क्या उसके कार्बोनाइल के साथ मिथाइल है या नहीं, या उस वजह से देख सकते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है तो ये क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसी तरह नीचे देखो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में देख ले फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, और अल्फा कार्बन के साथ देखो मिथाइल ग्रुप मौजूद है, लिहाजा ये भी क्या देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब मैं इसकी प्रोडक्ट लिखता हूं, अब इसकी प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, बस एक बात याद रखिएगा, इसकी प्रोडक्ट सेम टू सेम एसिटाल्डिहाइड वाली लिखनी है, क्यों, एथानोल की ऑक्सीडेशन हो तो क्या बनाएगा, एसिटाल्डिहाइड बनाएगा, तो सेम वही चीज उठा के लिख देनी है। देखिए सी एच आई थ्री ये हमारा आइडोफॉर्म बन गया, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेगा ये, साथ क्या बनेगा एच सी डबल ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, ठीक है, और बाकी क्या आ जाएगा, जैसे बार बार लिख रहे थे 5NaI, यहां पर थोड़े से 5NaI और साथ पांच ही वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये एथानोल है, एक बात याद रखिएगा, मैंने यहां पर लिखा है ओनली एथानोल, ठीक है, सिर्फ एथन प्राइमरी अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल की बात करें ना, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथानोल वाइज है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगी। अगर मैं बात करूं ना मेथानोल की, मेथानोल सी एच थ्री ओ एच, तो अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करें तो ये फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो मैंने बात की थी कि पहले एथानोल जो भी अल्कोहल फैमिली होती है अपने आप को एल्डिहाइड में चेंज करती है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करें तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, देखो कार्बोनल के साथ कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है लिहाजा ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी, ना ही प्रोपोनोल इसके साथ रिएक्ट करेगी, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में एथानोल वाइज है जो इसके साथ आइडोफॉर्म टेस्ट देगी। अब सेकेंडरी अल्कोहल, अच्छा सेकेंडरी अल्कोहल ये हमारे पास है, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करे ये टू प्रोपोनोल है, ठीक है, क्या है टू प्रोपोनोल है, इसकी ऑक्सीडेशन करे तो ये क्या बना देता है, टू प्रोपोनन बना देगा, इसी टोन बना देगा, तो इसकी जो प्रोडक्ट होगी सेम कीटोन वाली प्रोडक्ट लिख लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सी एच आई थ्री, ठीक है, साथ हमारे पास एच सी डबल ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव, साथ 5NaI और साथ क्या बन जाएगा वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों ने क्या किस बात का ख्याल रखना है, फंक्शनल ग्रुप उसके साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के पास अगर मिथाइल ग्रुप है तो क्या होगा ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। लास्ट वन एक इसकी एप्लीकेशन देखिए एक बात नोट कीजिएगा, ये हमारे पास क्या है एसीटोन, ठीक है, एसीटोन चेंज हुआ किसके अंदर, उसको हम कह सकते हैं वो चेंज हो सकता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में। दरअसल यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन हुई है, और वो इसको किसमें चेंज कर लेता है सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट। एक बात और नोट कीजिएगा, यहां पर कितनी कार्बन है, एक दो तीन कार्बन, और यहां पर कितनी कार्बन, एक और दो, तो यहां पर हम एसिटिक एसिड तो ले सकते हैं लेकिन ओरिजिनल कंपाउंड से एक कार्बन क्या होगी उसकी कम होगी। अब सोडियम एसीटेट को HCl के साथ रिएक्शन करवा के हम प्योर HCl ऑब्टेन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।